ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमें इससे ज्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि साइन हमारा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। सी एस, ये चीज ध्यान रखना, आपको बेसिक चीज पता है, ठीक है। हमें एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी नो दैट, क्या पता होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, जो बेसिकली तीन फॉर्मूले होते हैं, अगर तीनों आपको देखने हैं तो आप तीनों देख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको इस tan से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर हम इसको आगे फर्दर मॉडिफाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस sec मतलब इनटू में tan थीटा इक्वल टू 1। इतनी सी बात को, बात क्लियर है, बस इतनी ही सी बात को इस इतनी सी बात पे रखना है, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर क्या लिखूं, sec थीटा प्लस tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, बेसिकली ये आपका उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स। बाकी आप पुट कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। यहाँ a इंटू बी है इक्वल टू, ये आपका a है, ये आपका b है, इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1/b, तो यही तो उल्टा तो हुआ है। अब इसको इधर कूदोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो हम कर लेते हैं इसको कंट्रोल जेड, तो इतनी सी बात आपको पता चल गई, ठीक है। अब इस दोनों चीजों को ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों चीजों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इधर हमारा बचेगा 2 sec, इधर हमारा आ जाएगा 2 sec थीटा, और ये हम दोनों ऐड करेंगे तो ये हमारे कट जाएंगे tan थीटा इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो हमारे पास ये क्या आ गया, sec थीटा 2 है, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाई एक्स हो जाएगा। तो आपका इसको इधर कर देंगे, इसको इधर हम कर देंगे 2, ये cos थीटा हो जाएगा, sec थीटा cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर आपका 2xy हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2xy बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये आपका cos थीटा आ गया है। अब cos थीटा आने के बाद, cos थीटा आने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, यस या नो, यस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा के निकालने के लिए क्या होगा, हमें पता है ये हाइपोटेनस है, ये हमें पता है बेस है, हमें पंडित चाहिए। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें हम पहले लिख लेते हैं ना, ये हमारा अगर ये है 2xy है, ये हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो ये हमारा कितना आना चाहिए, ये हमारा क्या आएगा, ए है अगर, तो आपका ये आ जाना चाहिए, इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इसमें माइनस कर दो ये 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। देखिए यहां क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमने क्या करा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर को माइनस करा है बी स्क्वायर से, बेस के स्क्वायर से, तो हमने माइनस करा है, तो इधर हमारा क्या आ गया, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपका जो ए है, ए आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पे साइन थीटा निकालना है,
साइन स्क्वायर थीटा नहीं, हम साइन थीटा निकालेंगे, तो इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एक और चीज आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो आपने एक और चीज सीखी, अगर कभी साइड आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई दिया हो, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों ट्रिपलेट हैं, ट्रिपलेट है मतलब, ट्रिपलेट का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसपे हाइपोटेनस जो होगी आपकी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये आपका टू एक्स वाई हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप सभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, धन्यवाद।